वेल हेलो गाइस, मेरा नाम है बिलाल नूरानी। यू आर वॉचिंग क्या टेक मिनट्स डी। सो मैंने गूगल के फोन्स यूज इतने नहीं किए हैं, बट ये टाइम मुझे लगा है कि भाई गूगल ने कुछ काम किया है और उसको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए इन इंडिया स्पेशली। और जो कंज्यूमर है और जो चीजें हैं उनको पता होनी चाहिए कि भाई क्या चल रहा है इंडिया में। शॉर्ट सी समरी देते हैं गूगल के आयो में हुआ है क्या, अभी बात करते हैं। सबसे पहले आता है गूगल 7 सीरीज पिक्सल में 7 प्रो 7 हल्के से स्लाइटली अपग्रेड है। कैमरा पॉलिशिंग अच्छी है, कलर वेरिएंट भी बहुत ही अच्छे हैं, यूनिक से दिखते हैं। और टेंसर 2 चिप है, सेकंड जनरेशन है और ये सैमसंग से। ईएमडी जो है वो सब कुछ आपको पता होगा, बट उस पे बाद में बात करते हैं। फिर बात करते हैं गूगल पिक्सल वॉच के बारे में। यहाँ पर जो है वो टेंसर जीपी होगा, स्लाइटली सा वेरिएशन में अपग्रेड होगा। और बात करें यहाँ पर अभी टैबलेट के बारे में, तो पिक्सल टैब आ चुका है स्लेट आरआईपी। आपको पता होगा क्या मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले फ्रंट और बैक में कैमरा है, साइड काउडी है। फिर बात करते हैं बेजल्स पे, तो बेजल्स जो है वो बहुत ही व्हाइट कलर के हैं। ब्लैक फिनिश कहाँ है वो हमें नहीं पता। एंड्रॉयड 13 मिलेगा इसमें एल। फिर बात करते हैं किसके बारे में, गूगल पिक्सल बर्ड्स प्रो के बारे में। आई नो इसकी हाइप जो है वो इतनी जनरेट नहीं हुई थी, कुछ पता नहीं था। अब इसमें जो प्राइसिंग है वो मैटर नहीं करती है, आपको क्या मिलता है वो देखना है, उससे क्या आउटपुट मिलता है अच्छा खासा वही मायना रखता है, ज्यादा कुछ नहीं रखता है। फिर बात करते हैं लास्ट एंड लीस्ट गूगल पिक्सल 6 के बारे में। तो यहाँ पर जो ये फोन है गूगल पिक्सल 6 है, इसमें हमें स्पेसिफिकेशन क्या मिलता है वो मुझे बताना है। सबसे पहले 60 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले है, जो ओलेड बोला जाता है, जो एक सेंसिबल चीज है, बट यहाँ पर हमें 90 हर्ट्ज एटलीस्ट मिलना चाहिए था। मेरे हिसाब से वो थोड़ा सेंस बनाता है, वो भी 6.1 इंच के हिसाब से और $449 के हिसाब से। बट स्टिल गूगल अपने यूआई से चीजों का मैजिक करता है। गूगल का जो सॉफ्टवेयर अपडेट है, गूगल के जो लुक्स हैं और कैमरा फिल्टर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। पर प्राइस क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, कब रिलीज होगा, क्या सब कुछ है खेल, वो भी देखना है इंडिया में स्पेशली। और बात करते हैं चिप के बारे में, तो यहाँ पर हमें मिलता है टेंसर चिप जो टाइटन M2 सिक्योरिटी चिप के साथ में आता है। और यहाँ पर हमें मिलता है एंड्रॉयड 12L विद 5 ईयर सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट जो हमें यहाँ पर बताए जा रहे हैं। वैसे यहाँ पर जो गूगल क्लेम्स करता है वो ज्यादातर पूरे हो जाते हैं। और बात करते हैं यहाँ पर हमें कितने स्टोरेज वेरियंट मिलते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलता है 6GB रैम विथ 128GB का इन्फीगेट, वो भी लिमिटेड एडिशन जैसा। और बात करते हैं बैटरी साइज के बारे में, तो यहाँ पर हमें मिलता है 4410mAh बैटरी, जो एक नॉर्मल फोन के हिसाब से इन दिस प्राइस रेंज इज नॉट ग्रेट, बट स्टिल ये गूगल का फोन है। सो यहाँ पर जो चीजें हैं वो इंटरनली खुद के हिसाब से प्रोसेस की जा सकती है। फिर बात करते हैं कैमरास के बारे में, तो 12.2MP कैमरा मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो गूगल पिक्सल 6 है, 5 है, जो 3 है, उसमें जो हमें कैमरा मिलते थे सोनी के पुराने कस्टम सेंसर, वही हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं कैमरा सेंसर क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर जो है वो फोन रिवील नहीं हुआ है एग्जैक्टली इन प्रैक्टिकली वे में, तो यहाँ पर जो फोन है उसको टेस्ट नहीं किया जा सकता है, रिजल्ट बताया नहीं जा सकता है। बस यहाँ पर जो टेंसर चिप है और जो AI है गूगल के फिल्टर जो है वो इसको प्रोसेस अच्छे से और करेंगे। ये सारे ब्रांड टू ब्रांड पे अप्लाई होता है, जो आपको पता होगा आपने यूज किया है तो समझदार को इशारा काफी है क्या बात कर रहा हूं मैं। और दूसरी चीज पे बात करना भूल ही जाता हूं मैं, जो है दूसरा कैमरा जो हमें मिलता है 12 वाइड एंगल लेंस, मतलब MP के सेंसर्स में हमें खेल ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। और बात करें फ्रंट फेसिंग कैमरा पे, तो वो है 8MP। अब जानते हैं कि भाई ये फोन क्यों लॉन्च किया गया है, तो ये फोन इसी के लिए लॉन्च किया गया है कि भाई यहाँ पर जो भी गूगल पिक्सल 6 है उसको कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसमें कुछ चीजें जो है वो यूज नहीं करना चाहता है, उसके लिए अफोर्डेबल और थोड़ा मेन स्ट्रीम फोन नहीं चाहिए उसको, तो ये फोन उसके लिए आता है जो बहुत ही अच्छा रहता है। और वैसे कॉम्प्रोमाइज तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमें मेटल फ्रेम, ग्लास बैक, फ्रंट भी अच्छा है, सेंसर्स भी अच्छे हैं और पॉलिश UI मिलता है, जो मतलब एक अच्छी बात है, जिसके हिसाब से फोन डिजर्विंग है $449। iPhone SE 2, इट्स नॉट अ ग्रेट डील फॉर दिस कॉम्पिटिशन, एंड आपको ये फोन लेना चाहिए, मेरे हिसाब से ये रिकमेंडेशन में आता है। बट ऐसा नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पर जो है वो मैं इसको यूज करूंगा, एक्सपीरियंस करूंगा, ये चैनल जो है वो ऑनेस्टी के हिसाब से है और आपके लिए एक अच्छा वीडियो लेके आएंगे। सो या इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं जो गूगल ने की है। और गूगल के आईओ में यहाँ पर हमें एंड्रॉयड 13 में भी मल्टीपल फीचर्स मिलते हैं, मल्टीपल चीजें हैं जो होने वाली है। सो या इंटरेस्टिंग डे, इंटरेस्टिंग आईओ एंड इवन वॉज ग्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट, पीस।